देख रहे हैं भारत दर्पण टीवी। राजधानी दिल्ली के अलीपुर में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर वाल्मीकि कम्युनिटी द्वारा धन्यवाद वाल्मीकि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य था लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में वाल्मीकि समाज ने एकत्रित होकर लोकसभा चुनाव से पहले अपने समाज के सांसद चुने। साथ ही हाल ही हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी सभी वाल्मीकि समाज के लोगों ने दमखम के साथ कर्म सिंह कर्मा का समर्थन किया और मंगोलपुरी विधानसभा में पहली बार बीजेपी की सीट पर लड़ने वाले कर्म सिंह कर्मा को 25,000 से बढ़कर 47,000 वोट मिले। कर्म सिंह कर्मा ने इंटरनेशनल सोसाइटी वाल्मीकि कम्युनिटी एक ऐसी संस्था बनाई है जो देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी वाल्मीकि समाज के लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। आज इस धन्यवाद सभा में पूरे भारत से अलग अलग जगह से वाल्मीकि समाज के तमाम पदाधिकारी पहुंचे और इस धन्यवाद सभा में सम्मिलित हुए। आज हम वाल्मीकि समाज की तरफ से उन सबको एक चेतावनी भी देना चाहते हैं कि जो भारत की संपत्ति पर नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि वाल्मीकि समाज का मैं प्रतिनिधि जो आज मेरे को सौंपा गया है, मैं उसके नाते से भी मैं कहना चाहता हूं कि जो भी लोग समाज के नाते से, चाहे संस्था के नाते से या कि बाबा साहब का नाम लेकर जो बाबा साहब को बदनाम कर रहे हैं, उनसे भी हम ये कहना चाहेंगे कि वाल्मीकि समाज ने ना तो कभी भारत की संपत्ति पर नुकसान पहुंचाया है, ना हम पहुंचाने देंगे। अगर वाल्मीकि समाज रोड पर उतरेगा, अगर अब की बार हरकत हुई तो वाल्मीकि समाज खुद रोड पर उतरकर जैसे हम सफाई करते हैं वैसे ही देशद्रोहियों को सफाया भी करना जानते हैं। आप देख रहे हैं भारत दर्पण टीवी।